कुरान में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पे इनाम वो वसूल कर रहे हैं। सामने क्या मेरे किताब, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज गुलाम मुस्तफा, उनसे दरख्वास्त करूंगा वो तशरीफ लाएं, और चौधरी इकबाल संघेड़ा, उनसे दरख्वास्त करूंगा वो तशरीफ लाएं, और हाफिज गुलाम मुस्तफा इसकी हौसला अफजाई करते हुए दूसरा इनाम इनको वो अपने दस्तमारक से अता फरमा रहे हैं। तीसरी पोजीशन के लिए कैसर दराज कारी अब्दुलरहमान, कारी अब्दुलरहमान अजीजी साहब ये तशरीफ लाते हैं, और हाफिज कैसर दराज को अपने दस्तबारक से इनाम और थापड़ा दे रहे हैं। तीसरी पोजीशन दो बच्चों ने हासिल की है, तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला याकूब, और इनके इनामात के लिए मोहतरम कारी अब्दुल जबार रबानी साहब तशरीफ लाते हैं, और इस इनाम में अपने दस्तबारक की शिरकत फरमाते हैं। कारी अब्दुल जबार रबानी साहब, इनकी मामलत ये फरमाएं, और हाफिज इनामुर रहमान की दस्तार बंदी नासर सा मौलाना नासर फरमा रहे हैं, और मोहम्मद असलम ओड़ उनके साथ तशरीफ फरमा है। इतने से ओड़ साहब उधर ना लो, ये इस्लामिक सेंटर की तरफ से जहां इनकी दस्तार बंदी हो रही है वहां इनके लिए कुरान पाक अजीम गिफ्ट तोहफे के तौर पर वो भी इनको अता किया जा रहा है। तशरीफ लाते हैं हाफिज उमर रियाज, और इनकी दस्तारबंदी में मामलत के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा मोहम्मद साजिद ओड राजपूत वो तशरीफ लाएं, और हाफिज उमर रियाज इनकी दस्तारबंदी में वो शिरकत करेंगे मोहम्मद साजिद ओड। ये स्कूल में अकेडमियों में इम्तिहान होते हैं, और उनमें जो पोजीशन हासिल करते हैं वो इदारे की तरफ से उनको भी इनाम दिया जाता है, तो असल इनाम तो अल्लाह ताला तआला फरमाएंगे। बहरहाल यहाँ भी इम्तिहान होते हैं, और इसी इम्तिहान में